हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी अपनी लाइफ को बहुत इंजॉय कर रहे होंगे। नमस्ते, मैं हूँ शैवा, आप लोगों की टैरो कार्ड रीडर एंड स्पिरिचुअल हीलर। एंड आज की रीडिंग बहुत स्पेशल होने वाली है, द मोस्ट अवेटेड रीडिंग ऑफ द ईयर होने वाली है। और आज की रीडिंग में हम आपकी लव लाइफ के बारे में बात करने वाले हैं। फरवरी के महीने में कैसी रहेगी आप लोगों की लव लाइफ और लव गाइडेंस क्या आ रही है आप लोगों के लिए, क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं, ये भी हम आज की रीडिंग में जानने की कोशिश करेंगे। बट अगर आप लोग मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं, मुझे पहली बार देख रहे हैं, तो आपका ढेर सारा स्वागत है मेरे चैनल पे। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बी अ पार्ट ऑफ दिस ब्यूटीफुल फैमिली। ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू हिट द नोटिफिकेशन बेल, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी ज़रूर शेयर करिएगा ये वीडियो। एंड अगर आप लोग अपनी लाइफ में कुछ स्टक फील कर रहे हैं, अपनी लव लाइफ में, करियर लाइफ में, पर्सनल लाइफ में कोई गाइडेंस चाहते हैं, तो आप लोग मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं मेरे व्हाट्सअप नंबर पर, या ईमेल कर सकते हैं मेरे ईमेल आईडी पे। जो भी इन्फॉर्मेशन है आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में गिवन मिल जाएगी, तो उसे चेकआउट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और आप लोग मेरे साथ इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी कनेक्ट कर सकते हैं, मेरा इंस्टाग्राम और फेसबुक आईडी आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, सो उसे भी चेकआउट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो आज की रीडिंग बहुत स्पेशल होने वाली है, ये एक जनरल गाइडेंस होने वाली है। आपके राशि के अकॉर्डिंग आप इस रीडिंग को देख सकते हैं, बेस्ड ऑन योर सन साइन या मून साइन आप इस रीडिंग को देख सकते हैं, और ये एक जनरल गाइडेंस होने वाली है। तो चलिए चलिए विदाउट एनी फर्दर ड्यू आज की रीडिंग की शुरुआत करते हैं गणपति बप्पा का नाम लेकर। ओम गंग गणपते नमः। हेलो कन्या राशि, वर्गो राशि, तो चलिए देखते हैं आप लोगों के लिए कैसा रहने वाला है फरवरी मंथ लव लाइफ के लिहाज से। सो लव लाइफ में क्या कुछ होने वाला है आप लोगों के लिए, और क्या गाइडेंस है, क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं, ये भी हम जानने की कोशिश करेंगे। बट उससे पहले जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, ताकि आपकी एनर्जीज मैं पिक कर पाऊँ और आपको अच्छे से गाइडेंस दे पाऊँ। कन्या राशि, बहुत सारे कार्ड्स आ रहे हैं आप लोगों के लिए, ओके। सो कन्या राशि के लिए कैसा रहने वाला है लव लाइफ के लिहाज से फरवरी का महीना। ओहो हो, शफल भी नहीं हो रहा है, बहुत हाई एनर्जी है, बहुत पैशनेट रोमांटिक एनर्जी है आप लोगों की। और ओके, अपने आप से कार्ड्स आ रहे हैं, द मून, बहुत कुछ चल रहा है आपके अंदर ही अंदर। और मे बी आप लोगों को बहुत जल्दी है आंसर्स जानने की, कि क्या ये मेरे सही पार्टनर है, क्या ये मेरे सही सोलमेट है। इवन उन लोगों को भी बहुत जल्दी हो रही है आंसर जानने की जो ऑलरेडी किसी रिलेशनशिप में है। ओके, तो मैं आपको आंसर भी बताऊंगी, पर देखते हैं सबसे पहले क्या हो रहा है आप लोगों की लाइफ में। आप लोग मैजिशियन की एनर्जी में हैं, और हो सकता है कि बहुत सारे लोग हैं अपने सोलमेट को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अपनी न्यू रिलेशनशिप को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, और आपके लिए बहुत जल्द आपके लिए न्यू रिलेशनशिप आ रही है, बैंड बाजा बारात आ रही है। और बहुत सारे लोग यहाँ पर अपनी शादी को मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपने पार्टनर के साथ, और यस यहाँ पर आंसर है कि यस, यू आर ऑन द राइट पाथ, आप बिल्कुल सही रिलेशनशिप में हैं, आपके ये सोलमेट हैं, या फिर आपके जो पार्टनर हैं आपके सोलमेट हैं, ओके। और आपकी कोई ना कोई विश पूरी होने वाली है इस समय के दौरान, इस मंथ, और जल्दी से इस विश मांग दीजिए। इस वीडियो को देखते हुए विश अपनी कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, और आपकी विश डेफिनेटली पूरी होने वाली है नाइन ऑफ कप्स के साथ। ओके, यहाँ पर टावर कार्ड भी आ गया है। सो यस, यहाँ पर सबसे पहले मुझे ये नज़र आ रहा है कि आप लोग मैनिफेस्ट करने में लगे हुए हैं, कुछ अट्रैक्ट करने में लगे हुए हैं, अपनी रिलेशनशिप को ठीक करना चाहते हैं कुछ लोग अपने पार्टनर के साथ, एंड यस अपनी शादी को भी काफ़ी लोग मैनिफेस्ट कर रहे हैं। सो यस, यहाँ पर आपको कोई अच्छे से ऑफर्स, अच्छे से प्रपोजल्स मिलते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं, और यहाँ पर आप लोग काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन की एनर्जी में आ सकते हैं कि क्या ये पर्सन मेरे लिए सही है या नहीं है। तो आपसे यही कहा जा रहा है कि यस, आपके लिए ये पर्सन बिल्कुल सही है, और साथ में आपसे ये भी कहा जा रहा है कि आपको थोड़ा सा अपने ऊपर ट्रस्ट करना होगा, या फिर यूनिवर्स पे ट्रस्ट करना होगा। ठीक है, यूनिवर्स पे ट्रस्ट करें तो बेहतर है, नहीं तो हम अपने ऊपर कई बार ट्रस्ट नहीं कर पाते हैं। ओके, यूनिवर्स पे ट्रस्ट कीजिए, क्योंकि वो आपके लिए कभी गलत नहीं करेंगे। ऑल्सो यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि आप लोगों के लिए बैंड बाजा बारात आ रही है, और जो लोग शादी मैनिफेस्ट कर रहे हैं आप लोगों को बहुत अच्छे ऑफर्स, प्रपोजल्स रिसीव हो सकते हैं, और आपके जो पार्टनर हैं वो अलग बैकग्राउंड से हो सकते हैं। तो यस, ये एक आपका साइन है कि वो आपके सोलमेट है। अगर आपके पार्टनर अलग बैकग्राउंड से हैं, अलग रिलीजन से, अलग कास्ट से हैं, तो यस ये बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि वो आपके सोलमेट हैं। जो लोग सिंगल हैं, यस आप लोग किसी ना किसी रिलेशनशिप में जा सकते हैं, और ये सीरियस रिलेशनशिप होने वाला है, सीरियस कमिटमेंट वाला रिलेशनशिप होने वाला है। और मैं ये देख रही हूँ कि बहुत सारे लोग अपनी फीलिंग
फीलिंग्स एक्सप्रेस कर सकते हैं अपने पार्टनर को, अपनी क्रश को अपनी फीलिंग्स बताते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। और यस, यहाँ पर आप लोगों के लिए आंसर भी यस होने वाला है, मुझे यस 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 सुनाई दे रहा है। ओके, ऑल्सो मुझे ये भी नज़र आ रहा है कि आप लोग बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन की एनर्जी में हैं, बहुत लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करेंगे और लोग रेजिस्ट नहीं कर पाएंगे आपको। ओके, आपकी तरफ बहुत सारे लोग आकर्षित होंगे, बट यस कुछ कहने से लोग डरते होंगे, बिकॉज उनको लगता होगा कि आप बहुत सीरियस काइंड ऑफ पर्सनैलिटी हैं और आप किसी रिलेशनशिप वगैरह में नहीं जाना पसंद करेंगे, तो इसलिए शायद से लोग आपसे डरते हैं, इसलिए एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं। लेकिन आपसे कहा जा रहा है कि यस, आप बिल्कुल सही जा रहे हैं, सही दिशा में सोच रहे हैं, आपका इंट्यूशन बहुत हाई है, लेकिन एट टाइम्स आप अपने इंट्यूशन पे ट्रस्ट नहीं कर पाते हैं। तो अपने इंट्यूशन पे भरोसा करना सीखिए और यूनिवर्स से जो आप मांग रहे हैं, जिसके लिए भी आपने प्रार्थना करी है, वो आपकी झोली में गिरने वाले हैं। ओके, ऑल्सो यहाँ पर मुझे ये भी नज़र आ रहा है, जो ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं लोग, आप दोनों के बीच में थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग इश्यूज़ हो सकते हैं, आप दोनों के बीच में मतभेद हो सकते हैं, लड़ाई झगड़ा आर्ग्यूमेंट्स थोड़े बहुत हो सकते हैं। ओके, लेकिन वो नॉर्मल है। लेकिन मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि किसी थर्ड पर्सन की वजह से भी ऐसा हो सकता है और कोई टावर मोमेंट आपके रिलेशनशिप में आ सकता है और आपके रिलेशनशिप में किसी की सच्चाई का पता आप लोगों को चल सकता है कि या तो आपके पार्टनर की सच्चाई, क्या उन्होंने कहीं झूठ बोला था, या फिर आपके किसी और थर्ड पर्सन की सच्चाई के बारे में आपको पता चल सकता है। ऑल्सो यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है कि मेंटल स्ट्रेस थोड़ा सा आपको रिलेशनशिप में हो सकता है और कन्फ्यूजन, तो यस यहाँ पर अपनी सेल्फ डाउट भी होता हुआ मुझे नज़र आ रहा है कि आप लोगों को खुद पे डाउट हो सकता है कभी कभार। ओके, क्योंकि हालात ऐसे हो जाते हैं कभी कभी कि हमें खुद पर कॉन्फिडेंस नहीं रह पाता है, तो यस यहाँ पर आप लोगों को कॉन्फिडेंट रहना है, बिकॉज आप बिल्कुल सही डायरेक्शन में हैं। कॉन्फिडेंट रखना अपने आप को बहुत ज़रूरी है और इमोशनली स्टेबल रखना, सेल्फ लव आपको हाई करना होगा इस मंथ के दौरान। ऑल्सो यहाँ पर मुझे ये भी नज़र आ रहा है कि कुछ लोग अगर पास्ट के रिलेशनशिप में परेशान चल रहे थे, अपने एक्स का वेट कर रहे थे, तो फाइनली अब मूव ऑन होते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं, हील करते हुए खुद को यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। आप लोग मूव ऑन हो सकते हैं अपने पास्ट रिलेशनशिप से, एंड यस यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं हीलिंग के। और यूनिवर्स आपको अब कह रहे हैं कि बस बेटा बस, अब वो नहीं आएगा वापस अगर नो कॉन्टैक्ट चल रहा है। सो यस यहाँ पर आपके यूनिवर्स, अगर ज़्यादा ही टाइम हो गया नो कॉन्टैक्ट को, तो यस यहाँ पर यूनिवर्स आपको कह रहे हैं कि बस बेटा आगे बढ़ो, मूव ऑन करने का टाइम आ गया है। ओके, एंड साथ में मुझे ये भी नज़र आ रहा है कि किसी थर्ड पार्टी रिलेशनशिप में आप दोनों के बीच में ना थोड़ा सा मतभेद हो सकता है बिकॉज ऑफ थर्ड पार्टी, लेकिन आपके जो पर्सन है ना, उनका ध्यान आपके ऊपर ही मुझे नज़र आ रहा है, आपको ही देख रहे हैं आपके पर्सन, भले ही थर्ड पार्टी आपके बीच में इंटरफेयर कर रहे हो। थर्ड पार्टी यहाँ पर कोई भी हो सकती है, उनकी फैमिली, आपकी फैमिली, आपके फ्रेंड्स, या फिर कोई थर्ड पर्सन हो सकता है। ओके, तो यस यहाँ पर आपके जो पार्टनर हैं आपको ही ध्यान में रख रहे हैं, आपके ऊपर ही पूरा फोकस बना के रखे हुए हैं। लेकिन और क्योंकि आप सेल्फ लव भी कर रहे हैं और अट्रैक्ट भी कर रहे हैं, प्रेयर्स भी कर रहे हैं, हीलिंग भी कर रहे हैं, तो यस आप लोग डेफिनेटली यहाँ पर अपने सोलमेट को अट्रैक्ट करेंगे और आपके पार्टनर को अट्रैक्ट करेंगे। लेकिन जो लोग बहुत ज़्यादा ही टॉक्सिक सिचुएशन में हैं, आप लोगों की फाइनली यहाँ पर स्टोरी जो है वो थोड़ा सा एंडिंग्स के करीब है। और यस, थर्ड पार्टी में जो बहुत परेशान चल रहे हैं लोग, मेंटल स्ट्रेस बहुत ज़्यादा, कार्मिक चीज़ें हो रही हैं आपके रिलेशनशिप में, तो यस चांसेस ये हैं कि यूनिवर्स अपने आप डिवाइन इंटरवेंशन के थ्रू ये सब चीज़ें ख़त्म करने वाले हैं। ओके, और सो मुझे ये भी नज़र आ रहा है कि सेल्फ लव बहुत हाई है आप लोगों का। एंड अगर जो लोग भी शादी मैनिफेस्ट कर रहे हैं फिलहाल, तो मुझे लगता है कि अगर आपके फैमिली वाले नहीं मान रहे थे तो उसमें अभी थोड़ा सा समय लग जाएगा, डिलेज दिखाई दे रहे हैं, लेकिन फाइनली मुझे आप लोगों की शादी होते हुए नज़र आ रही है। फरवरी के मंथ में नहीं, लेकिन आने वाले टाइम में आप दोनों की शादी वगैरह हो सकती है। ओके, बट यहाँ पर अभी की तरफ से थोड़ा सा आप लोगों को रेजिस्टेंस फेस करना पड़ सकता है। ओके, सो देखते हैं आप लोगों के लिए गाइडेंस क्या आ रही है। कन्या राशि वर्गों के लिए गाइडेंस क्या आ रही है। नॉट द राइट टाइम, अभी कुछ सही समय नहीं चल रहा है, फेवरेबल टाइम अभी नहीं चल रहा है फिलहाल, तो चीजों को बहुत ही सोच समझ के आगे बढ़ाना है। ओके, टेक एक्शन, एक्शन लेते रहिए अपनी लाइफ में। अगर आप किसी से कुछ कहना चाहते हैं, किसी से बात करना चाहते हैं, तो एक्शंस लेना आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा, तभी तो प्रैक्टिकल चीज़ें पता चलेंगी। अगर आप देखो
सो अगर आप देखो यहाँ पर एक्शंस ही नहीं लोगे तो आपके मैनिफेस्टेशंस कैसे वर्कआउट करेंगे. इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू टेक एक्शंस. ओके, बिग हैप्पी चेंजेस आपके लाइफ में आ रहे हैं, अच्छे बदलाव आपके लाइफ में आने वाले हैं इस समय के दौरान. और यस, अपने लाइफ स्टाइल में, अपने बिहेवियर में, अपने माइंड सेट में चेंज लेकर आना आपके लिए बहुत ज़रूरी है. ओके, और क्या गाइडेंस आ रही है कन्या राशि वाले लोगों के लिए. Codependency, addictions are affecting your romantic life. हो सकता है आप दोनों एक दूसरे पे डिपेंड हैं या फिर आप दोनों एक अपनी फैमिली पे डिपेंडेंट हैं. इस वजह से आप दोनों की लाइफ में ना कुछ आगे नहीं बढ़ पा रही हैं चीज़ें, कुछ स्ट्रक फील कर सकते हैं कभी कभी. लेकिन कुछ लोगों के पार्टनर्स को एडिक्शंस या आपको एडिक्शंस की प्रॉब्लम हो सकती है, स्मोकिंग ड्रिंकिंग की प्रॉब्लम हो सकती है, तो इस वजह से भी आपकी लव लाइफ इफेक्ट हो रही है यहाँ पर. ओके, सो कोडिपेंडेंसी, अगर आप इमोशनली बहुत ज़्यादा ही डिपेंडेंट हैं अपने पार्टनर पर और अपनी सेल्फ लव नहीं करें, अगर आपके पार्टनर ने बोल दिया कि यहाँ पर नहीं लग रहे, तो आप उसी चीज़ को पकड़ के बैठ जाएंगे कि नहीं नहीं मैं अच्छा ही नहीं हूँ, मैं अच्छी ही नहीं हूँ, मेरी ये साड़ी अच्छी ही नहीं है, तो इस चीज़ को ही आप पकड़ के बैठ जाएंगे. लेकिन आपसे कहा जा रहा है कि उस चीज़ से बाहर निकलिए, सेल्फ लव पे ध्यान दीजिए. ओके, कॉलिंग इन योर सोल मेट. यस, यहाँ पर प्रार्थना, एफर्मेशन, योर प्रेयर्स, एफर्मेशन एंड विजुअलाइजेशन हेल्प ब्रिंग यू टुगेदर. यस, आप लोग बहुत सारे लोग यहाँ सोलमेट रिलेशनशिप में हो सकते हैं, लेकिन अभी तक अगर आपको सोलमेट नहीं मिले हैं तो यस, मैनिफेस्टेशन करने के लिए यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कीप एन ओपन माइंड. योर सोलमेट मे डिफर फ्रॉम योर यूजुअल टाइप एंड एक्सपेक्टेशंस. आपको ओपन माइंड के साथ आगे बढ़ाना है चीज़ों को, क्योंकि आपकी जो सोलमेट है, ज़रूरी नहीं है कि सभी आदतें आपके साथ मैच हों. लाइक्स एंड डिसलाइक्स, पसंद ना पसंद आप दोनों के अलग अलग हो, आपके कास्ट, रिलीजन, बैकग्राउंड अलग अलग हो, तो आपकी उम्र अलग अलग हो, लेकिन यस, आपके सोलमेट को एक्सेप्ट करना ये इंपॉर्टेंट रहेगा आपको, बिकॉज वो आपसे थोड़ा सा अलग हो सकते हैं. और देख सकते हैं, देखते हैं आप लोगों के लिए गाइडेंस क्या आ रही है वर्गो कन्या राशि. ट्विन फ्लेम्स, योर पैशन इग्नाइट्स. वाओ, दिस इज़ सो ब्यूटिफुल. आप लोग किसी ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप में हैं और दिस इज़ सो ब्यूटिफुल. सोलमेट या ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप में हैं, वाओ, यू आर सो ब्लेस्ड. ओके, भले ही चीज़ें अभी अच्छी नहीं चल रही हैं, लेकिन दैट डजंट मीन कि फ्यूचर भी ऐसा रहेगा. ठीक है, पावर, यू इंस्टिंक्टिवली नो वॉट इज़ राइट फॉर यू एंड यू हैव द पावर टू से नो और टू वॉक अवे एट एनी टाइम. आप लोग वॉक अवे कर सकते हैं, आपके पास पावर है, कुछ भी आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं. आपको उस रिलेशनशिप में नहीं जाना तो नहीं जाना, और आपके हाथ में ही पावर है कि आप कुछ भी अपने अकॉर्डिंग चीज़ों को ढाल सकते हैं, अपनी रियालिटी को क्रिएट कर सकते हैं. यू आर द क्रिएटर ऑफ योर ओन रियालिटी. ओके, मैजिशियन कौन होता है. Manifesting miracles, yes, your dream is soon to become reality. Trust your heart and continue to flow its guidance, follow its guidance. So, यहाँ पर अपने heart की guidance को follow कीजिए. आपका दिल आपसे क्या कह रहा है, आपका universe आपसे क्या कहना चाहते हैं, और also यहाँ पर आप manifest करने के लिए आपसे कहा जा रहा है. और कुछ लोग already अगर manifest कर रहे हैं तो आप लोग बिल्कुल सही direction में जा रहे हैं. okay? सो यस गाइज, ये थे आप लोगों के लिए फरवरी मंथ की लव रीडिंग. अगर आपको थोड़ी सी भी गाइडेंस मिली है आज की रीडिंग से, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा. एंड अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए. एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द नोटिफिकेशन बेल, और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी ज़रूर शेयर करेगा ये वीडियो. एंड पर्सनल रीडिंग के लिए आप लोग मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं. जो भी इन्फॉर्मेशन है आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कॉमेंट बॉक्स में गिवन मिल जाएगी, तो उसे चेकआउट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा. तो मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय.